भावलोक पिछले 2 महीने से चल रहा शो फ्रॉम सीजन 3 का दी एंड हो चुका है और नो डाउट ये लास्ट एपिसोड उम्मीद से भी बढ़कर था, जहां लिटरली 2-3 जगह पर मेरे आंसू भी निकले क्योंकि वो इमोशन एंड गर्ज मेकर ने एक एक चीज फील कराई हम सबको। और सीजन 4 के लिए इतने सवाल छोड़कर चला गया है इस सीजन 3 की मिस्टीरियस एंडिंग के साथ, जिसे आज एक्सप्लेन करने वाले हैं बाबा। तो दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि एंडिंग बहुत सॉलिड है सीजन 3 की, जिसे एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है वरना रातों को नींद नहीं आने वाली है तुमको। तो लाइक कर दीजिए जिससे मुझे ये कन्फर्म हो जाए कि आपकी तरफ से मुझे आपका प्यार मिल चुका है और मैं यूं ही आप लोगों के लिए ब्रेकडाउन थ्योरी वीडियो लाता रहूंगा। बाबा एंडिंग में हमने देखा जिम, जेड एंड टैबिथा फार अवे बॉटल ट्री पर आ जाते हैं वायलिन बजाकर पुरानी याददाश्त वापस लाने के लिए, जहां जेड जबरदस्त वायलिन बजाता है और तभी सारे आंकुई किड बाहर आ जाते हैं, जिसमें से एक आंकुई गर्ल टैबिथा के पास आती है, घुटने में झुकती है और बड़े प्यार से बोलती है आंकुई, जिसका मतलब होता है रिमेंबर। टैबिथा एंड जेड दोनों को ही याद आ गया कि आखिर इस टाउन में हुआ क्या था और इन दोनों का क्या कनेक्शन है आखिर, जो बाद में टैबिथा जिम को एक्सप्लेन भी करती है कि फ्रॉम द बिगिनिंग जेड एंड टैबिथा दोनों इस फ्रॉम विलेज टाउन पर रहते थे, बट ये फर्स्ट टाइम में फेल हो गए थे आंकुई किड्स को बचाने के लिए या फिर उनकी हेल्प करने के लिए, और बार बार जेड एंड टैबिथा का जन्म इसी काम के लिए हो रहा है और यहाँ आके ये इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि इन्हें आंकुई किड्स की हेल्प करनी है। टैबिथा ने ये भी एक्सप्लेन किया कि वो पिछले जन्म में मिरांडा थी और जेड क्रिस्टोफर, That's why कि ये आंकुई किड्स हमें दिखते हैं। Now I am excited कि ये लोग हेल्प कैसे करेंगे इन आंकुई किड्स की, क्योंकि सिर्फ अल्टीमेटम पता चला है कि आंकुई किड्स की हेल्प करने से इस टाउन का कर्ज खत्म हो जाएगा और ये लूप भी खत्म हो जाएगा, तभी ये लोग घर को वापस जा पाएंगे। बाबा लिख के ले लो, टाइम ट्रेवल होने वाला है। अल्टीमेटम पता चला है बट रास्ता अभी तक नहीं पता चला है कि इस अल्टीमेटम को अचीव करने के लिए आखिर राइट काइंड ऑफ पाथ क्या है, असली रास्ता क्या है, जिसको खोजने की तैयारी सीजन 4 में भी चलेगी और कहा जा रहा है कि सीजन 5 भी आएगा। तो शायद इस मिस्ट्री को और सॉल्व करने के लिए यह अच्छा जरिया है, क्योंकि रास्ता मिलना इतना आसान नहीं होता है, ढेर सारे रास्ते होते हैं लेकिन उन ढेर सारे रास्तों में से कौन सा सही रास्ता है वो चुनने के लिए समय तो लगेगा। तो सीजन 4 बाबा इसमें खप सकता है और सीजन 5 में शायद ये एंडिंग देखने को मिल सकती है। नाउ बैक इन द पॉइंट कि बॉय इन वाइट ने भी कहा था जो चीज जहां से शुरू हुई है वो चीज वहीं खत्म होगी। दूसरा, मेकर ने एक और हिंट सॉलिड दिया, वो फ्यूचर जूली को प्रेजेंट में भेजकर। तो जब जूली आ सकती है फ्यूचर से तो बाबा जीवन टैबिथा भी जा सकते हैं, यानी टाइम ट्रेवल होने वाला है। और जब ये सारा रिचुअल जहां हो रहा होगा एट द बिगिनिंग, वहीं जाके टाउन के लोगों को समझा कर आएंगे ताकि वो अपने बच्चों की लाइफ को सेक्रीफाइस ना करें इस स्टूपिड इमोर्टैलिटी को पाने के लिए। तो ये सब चीजें बहुत सिंपल लग तो रही है देखने में, क्या लगता है इतना सिंपल होगा? देखो रास्ता भी मालूम है कि कहां से टाइम ट्रेवल हो सकता है, ऑब्वियसली उस डंजन प्लेस के उस गुफा के रास्ते से जहां एपिसोड 8 में जूली होकर आ चुकी है, और इस एपिसोड में भी जूली उसी टाइम ट्रेवल की बात को मेंशन भी करती नजर आई है इथन के साथ डाइनर में, क्योंकि वो एक्चुअली टाइम में पिछले चले गई थी। बट द बिग क्वेश्चन इज दैट कि बाबा डंजन प्लेस में हर कोई अलाउ नहीं है, वरना जूली के साथ इथन भी जा सकता था, जो एक्चुअली गया तो था जूली के साथ बट ऊपर ही रह गया था। तो यहां से एक और बात हिट हो रही है कि कहीं सिर्फ और सिर्फ जूली ही अलाउ तो नहीं है पास्ट में जाने के लिए या फिर फ्यूचर में ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर से हमें सिर्फ फ्यूचर जूली ही देखने को मिली, यानी नई वाली जूली। दूसरा, बॉयड भी जा सकता है अगर देखें तो, क्योंकि वो भी उस डंजन प्लेस में घूमकर आ चुका है और जिस केव में एंट्री लेने के लिए जूली ने जिस दरवाजे का इस्तेमाल करा था वो दरवाजा बॉयड को भी दिखता है। लेकिन एक चीज और हिट हो रही है कि उस डंजन प्लेस में शायद रैंडल एंड मिरिल भी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि जब जूली ले सकती है जिसकी आत्मा ऑलरेडी चेंड अप है वहां उस डंजन प्लेस में, तो रैंडल और मिरिल भी ले सकते हैं क्योंकि उनकी भी आत्मा वहां चेंड अप है उस डंजन प्लेस में। तो मे बी ये दोनों भी एंट्री ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये 4 लोग ही ट्रेवल कर सकते हैं क्या, और शायद इन्हीं के द्वारा उन आंकुई किड्स की हेल्प भी करी जाएगी। चलो जूली, मिरिल एंड रैंडल का सेंस तो बनता है कि ये लोग डंजन प्लेस में क्यों जा सकते हैं आखिर, लेकिन बॉयड का क्या कनेक्शन है भाई? मेरा शक ये जा रहा है कि मार्टिन ही बॉयड हो शायद, और वो इसलिए शायद बॉयड मार्टिन का पुनर्जन्म हो, क्योंकि अगर देखें तो जेड पिछले जन्म का क्रिस्टोफर था यानी बॉडी चेंज थी, तो मे बी ये भी पॉसिबल हो सकता है कि बॉयड पिछले जन्म का मार्टिन हो। लेकिन ये बात कितनी सच होगी कितनी नहीं वो तो सीजन 4 में ही पता चलेगा, यानी हमें 2 साल बाद पता चलेगा। बहुत ही गंदे समय पर इन लोगों ने काटा है हमारा चूतिया, और 2 साल के लिए हम यूं ही तड़पते रहने वाले हैं, क्योंकि मे बी जुलाई में ही हमें सीजन 4 देखने को मिल सकता है, 2026 में सीजन 4। सो इट जस्ट अ थ्योरी मैन, शायद ऐसा हो और शायद ऐसा ना भी हो,
बाकी इस पार्ट पर और भी ज्यादा बात होगी अभी ब्रेकडाउन वीडियो में, क्योंकि थोड़ा और पास्ट कनेक्शन देखेंगे, शायद कुछ और गुत्थी मिल जाए वहां पर और अच्छे से बात करने के लिए। नाउ बैक टू द एंडिंग एक्सप्लेन, काफी दूर निकल गए थे, क्या करें, भावनाओं में बह जाते हैं। टैबिथा जिम को सब कुछ बताने के बाद जिम काफी शोक विलाप में देखने को मिला हमको, जहां फ्यूचर फॉर्म ऑफ जूली जिम के पास भाग कर आती है, यानी अपने डैड के पास, और जिम को भागने के लिए कहती है, टाउन में वापस जाने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि मैन इन येलो अपीयर होता है और पहले तो जेट के म्यूजिक को वर्स बोलता है और जिम से एक ही बात कहता है कि मैंने वार्न किया था टैबिथा को, वो गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था, यानी अपने घर के नीचे जो हमें सीजन 2 में देखने को मिला था। और जिम का देखते ही देखते गला फाड़ देता है और जिम मारा जाता है। ये सब सोचा समझा एक प्लान के हिसाब से नहीं लग रहा, जैसे इस मोमेंट का वेट करा जा रहा हो कि जेट फायर अवे बॉटल ट्री पर वायलिन बजाएगा तो इससे आंकोई किड्स आएंगे ही, पर अपने साथ एक सुपर मॉन्स्टर भी लेकर आएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे जादू टोना वाले हिसाब से में होता है जहां जिम इस मोमेंट को कंप्लीट करने की कीमत हो शायद। देखो म्यूजिक का रोल तो है बाबा, वरना डाइनर पर वो म्यूजिक का बजना वो आया वही नहीं था, वो भी हेल्प करेगा इस टाउन की गुत्थी को सुलझाने के लिए आगे इन फ्यूचर। दूसरा, सीजन 2 में जिस सिंगिंग एंड डांसिंग डॉल को बॉयड ने तोड़ा था उसका भी कहीं ना कहीं सॉलिड रोल हो सकता है आगे, एंड यहाँ वायलिन का बजना, देन उसके बाद ही इस मैन इन येलो का अपियर होना और उसका ये मेंशन करना कि तुम्हारी वाइफ को घर के नीचे गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था, तो मे बी ये मैन इन येलो एंड फ्यूचर जूली वहीं से आए होंगे, यानी उस गड्ढे से, और ये एक इवोल्यूटेड मॉन्स्टर है जो पॉसिबल है कि फ्यूचर से ही आया होगा। तो जब ये आ सकता है तो इसके जैसे और भी मॉन्स्टर आ सकते हैं, तो लुटिया तो डूबने वाली है सीजन 4 पर इन लोगों की, है ना। पता तो चल गया है कि भाई इस टाउन के कर्ज को ख़त्म कैसे किया जाएगा, लेकिन उस रास्ते को पाने के लिए भी ये जो बड़ी बड़ी अड़चने हमें देखने को मिल रही हैं मैन इन येलो जैसे के रूप में, तो भाई ये फाड़ने वाले हैं आगे जाकर बुरी तरीके से, जैसे इन्होंने जिम का गला फाड़ा था। लेकिन देखा जाए तो जिम एक यूजलेस करेक्टर लगता था, पर बाबा इसका भी सॉलिड रोल है कहीं ना कहीं इस टाउन के कर्ज को खत्म करने के लिए, जिसकी जरूरत फ्यूचर में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जरूर पड़ेगी। दैट्स वाई कि जूली को टर्मिनेटर की तरह भेजा गया ताकि जिम को बचा सके, लेकिन नाकाम रही। हाँ ये भी है कि जिम जिंदा है लेकिन इस टाइम जोन में तो वो मर चुका है, सिर्फ पास्ट में जिंदा हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर वाला जिम भी मर चुका होगा एंड प्रेजेंट वाला तो हमने मरते देख ही लिया है, और फ्यूचर वाला मरा होगा। दैट्स वाई कि जूली इसलिए आई है इस प्रेजेंट टाइम जोन पर जिम को बचाने के लिए, है ना। क्या लगता है बाबा जिम की आखिर कहाँ जरूरत पड़ सकती है इन लोगों को, लगाओ थोड़ा दिमाग, क्या पता इससे कुछ हिंट मिल जाए मुझे भी इस एंडिंग को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। बाकी मैं थोड़ा पास्ट में रिसर्च करके और देखूंगा कि उस गड्ढा खोदने का क्या कनेक्शन है या फिर क्या लिंक है इस सीजन 3 की एंडिंग से, इसको ब्रेकडाउन वीडियो में थोड़ा और कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे क्या कनेक्शन है। बाकी स्माइली मॉन्स्टर पैदा हो चुका है, और अगर देखें तो स्माइली मॉन्स्टर ही एक ऑर्गेनिक मॉन्स्टर है जो रियल बायोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते पैदा हुआ है, यानी नेचुरल प्रोसेस से, जिसकी अम्मा अपनी फातिमा बेन है। और फातिमा को भी ये बात पता चल गई है कि बाकी के जो मॉन्स्टर हैं उन्होंने अपने बच्चों की बलि देकर तब ये इमॉर्टल बनने के लालच में मॉन्स्टर क्रिएचर बने हैं, यानी ऑर्गेनिक मॉन्स्टर वो नहीं। दैट्स वाई कि स्माइली स्पेशल है, बाकी बॉयड उस टनल के अंदर ही है जहाँ सारे मॉन्स्टर एक साथ हैं और स्माइली उनके बीच में है, जो लुक ऐसे दे रहा है जैसे उसने अपने दादा बॉयड को देख ही लिया है। अगर उसने देख लिया है तो बॉयड की तो ये लोग धज्जियाँ उड़ा देंगे, क्या लगता है मार देंगे क्या, मुश्किल है, पॉसिबल है कि छोड़ ही देंगे। टाउन के लोगों को पता तो चले कि आखिर अब उनकी तरफ क्या आ रहा है, जो बॉयड जाकर ही बताएगा, यानी बॉयड के जरिए ही उन्हें पता चलेगा। और मॉन्स्टर की वो बात भी सच होगी कि बॉयड तुम टूटे या नहीं टूटे, क्योंकि दिन पे दिन मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। बाकी फातिमा का एंगल इंटरेस्टिंग लग रहा है अब, जो सीजन 4 में और जबरदस्त होने वाला है। इस पर थोड़ा और अच्छे से बात करेंगे आगे ब्रेकडाउन वीडियो में, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मेरे को एडिटिंग के पार्ट में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो कोई नहीं, मजे मजे में मिस्ट्री सॉल्व करेंगे, एक आध दिन और लेंगे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि रैंडल और मिरिल के पार्ट पर थोड़ा तो बात करना अभी बाकी है। बाकी विक्टर पर तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उसे तो इस एपिसोड में ऐसे दरकिनार कर दिया जैसे पिछले एपिसोड तक ही उसका इस्तेमाल था, वो भी सिर्फ टैबिथा को पिछला याद दिलाने के लिए, और च्युइंगम की तरह खाया चबाया और फेंक दिया। तो नहीं बाबा, इसका भी रोल है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ब्रेकडाउन वीडियो में विक्टर एंड हेनरी के एंगल को भी कवर करेंगे। बाकी यहां लगाते हैं विराम, वरना बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। और आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंटों से जरूर बता के जाना। बाकी ये एपिसोड आपने देख लिया है तो क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है, इस एंडिंग को लेकर क्या एक्सपीरियंस रहा है, और आपके दिमाग में कौन से तार जल रहे हैं, क्या कनेक्शन सेट हो रहा है सीजन 4 की कहानी के लिए, वो भी नीचे कमेंटों से जरूर बता के जाना।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी ब्रेकडाउन वीडियो में। और कल ड्यून प्रोफेसी का सेकंड एपिसोड रिलीज हो रहा है, तो बाबा उसको भी सपोर्ट करो। ड्यून प्रोफेसी बहुत ही शानदार सीरीज है जिसपे बहुत कुछ है बात करने के लिए। अभी ब्रेकडाउन वीडियो मैं उस पर ध्यान दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी फ्रॉम को ख़त्म करना है। फ्रॉम सीजन 3 अब ये ख़त्म हो चुका है, अभी बाबा ड्यून यूनिवर्स में हम घुसने वाले हैं और उस यूनिवर्स में बहुत कुछ सॉलिड कनेक्शन है, तो उसमें भी थोड़ा बना के रखो। बाकी आपको एपिसोड कहाँ मिलता है यू नो बेटर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो मेरे, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।